हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला रेलवे एग्जाम। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ रीजनिंग। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे, कमेंट करके बता देंगे यस सर आप दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज प्रॉपर आ रही है। फिर अपन करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, ठीक है भैया। बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं, बाबूराव, रूपम, सुमन, रेशमा, बहुत बढ़िया। वर्ड नित्या गुप्ता कह रहे हैं गुड इवनिंग सर जी, तो गुड इवनिंग नित्या, है ना, बहुत बढ़िया। विद्युत लगातार सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं गुड इवनिंग सर। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे और बढ़िया से फटाक से लाइव आ जाओ, फिर अपन क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं क्लास लाइव हुई है या फिर नहीं, जल्दी से सभी बच्चे थम्स अप कर देंगे यस सर आप लाइव आ चुके हैं, फिर अपन यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखिए, जैसा कि आपको पता है कि अपन यहाँ पे डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज अपन फिर से यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं लगातार 25 प्लस क्वेश्चनों की। तो 25 प्लस क्वेश्चन अपने होने वाले हैं, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे सवालों का, समय है बहुत कम, 25 प्लस सवाल अपने पास हैं। और जो भी सवाल जिस एग्जाम में आया है, मेनली मैंने सवाल यहाँ पे 10 अगस्त के उठाए हुए हैं, आपके एएलपी का जो पेपर हुआ था 10 अगस्त को, तो मैंने वही के सारे के सवाल रीजनिंग के उठाए हुए हैं। तो जल्दी जल्दी फटाफट सभी बच्चों को आंसर देना है सवालों के, ताकि जल्दी जल्दी अपना प्रैक्टिस सेट यहाँ पे खत्म हो जाए, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। लगातार सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही शानदार, जबरदस्त। देखिए आपसे सवाल ये कह रहा है कि सही उत्तर आकृति का आपको जल प्रतिबिंब बताना है। आपको एक फिगर दिया गया है, उसमें आपको बताना है कौन सा वाटर इमेज में होगा, तो वाटर इमेज आपको बतानी है। लाइव है सर, ठीक है भैया राजू, है ना, बहुत बढ़िया, मुझे आपका कमेंट यहाँ पे दिख गया है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए भाई जबरदस्त, सभी बच्चे यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो भैया आंसर बताएं फटाफट इस सवाल का, यहाँ पे क्या आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, ठीक है। लाइव है राजू माओ, बहुत बढ़िया। चलिए बच्चों के आंसर आने लगे हैं कि गुरुजी आंसर आएगा ए, ए फॉर एप्पल, बहुत बढ़िया। आदित्य रंजन फैन कह रहे हैं हेलो, तो बहुत बढ़िया भाई। देखिए आपको पता है ये वाला जो फिगर है ना, लेफ्ट का राइट चेंज नहीं होता है, सिर्फ अप से डाउन होना है। ये बात आपको याद रखनी है कि वाटर इमेज में सिर्फ अप का डाउन होता है। ये देखिए चीज यहाँ पर आपकी, ये फिगर राइट में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला फिगर यहाँ पे राइट में ही रहेगा, मतलब ये लेफ्ट में दोनों खिसका है, तो ये आंसर नहीं होगा, इन दोनों में कोई एक आंसर होगा। तो अब आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। देखिए ये वाली जो डिजाइन है ना ट्रायंगल की, वो आपकी लेफ्ट साइड बनी हुई है, यहाँ पे देखिए ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, लेकिन आप ये देखो ट्रायंगल नीचे जा रहा है। अगर ये ट्रायंगल नीचे जा रहा है, तो अब नीचे वाले फिगर में कहां जाएगा, ट्रायंगल अप में जाएगा, अप डायरेक्शन इसी में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, सभी बच्चों का आंसर ए आ चुका है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर यहां पे क्या होगा। और आपको पता है ये सवाल है 10 अगस्त की शिफ्ट 1 2018 में जो एलपी का पेपर हुआ था, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। लगातार सभी बच्चों का ए ए ए आंसर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया शानदार भाई, है ना। चलिए अगले सवाल का फटाफट आंसर देने की कोशिश करें कि आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट भर दीजिए गुरुजी दूसरे का ए बी सी डी में क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। और एक बार भैया दबा के सेशन को शेयर कर दें सभी बच्चे, ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएं, तो फिर मजा आए शानदार तरीके से। और एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक भी कर दें। देखिए तब तक मैं आपके लिए सवाल लगाता हूं, कह रहे हैं एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो भैया ध्यान से देखो, एक व्यक्ति जो है वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो पूर्व हमने बना लिया। सभी बच्चों को ये जानकारी होगी कि भैया गुरुजी यहां पे होता है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। तो भैया 10 किलोमीटर चलता है। अब आप ये देखो कि आपसे पूछा है आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो इसका मतलब आपको फिगर बनाना पड़ेगा, बिना फिगर बनाए आपका आंसर नहीं आएगा। 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चल के दाएं मोड़ता है, तो भैया दाएं मोड़ दिया ये, और 8 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो बहुत बढ़िया भाई, बाईं ओर मोड़ दिया और 6 किलोमीटर चला दिया। अब आपको देखना कि प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में, तो भैया देखो मैंने आपको बता रखा है कि जिस भी पॉइंट से पूछा जाए वहां पे आप प्लस बना दिया करो। आपसे पूछा है वो अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में, इसका मतलब भैया क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टार्ट जहां से किया था वहां पे बना दीजिए प्लस, और जहां अंत पॉइंट है वहां पे पहुंचने की कोशिश कीजिए। तो आपको पता है ये होता है ईस्ट और ये है साउथ, तो साउथ ईस्ट में ये जा रहे हैं, तो साउथ ईस्ट लिखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो लगातार तभी सभी बच्चों का आंसर आ रहा है गुरुजी, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। सोनम यादव कह रही है गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग।
कुंदन कुमार कह रहे हैं राधे राधे सर, तो राधे राधे भाई, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। वर्षा मीना का मैसेज आ चुका है कि गुरुजी साउथ ईस्ट यहाँ पे आंसर होने वाला है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, यहाँ फटाक से देखें और आंसर बताएंगे इस सवाल का यहाँ पे सही आंसर क्या होने वाला है, है ना। और एक बार सभी बच्चे सेशन को भैया शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे यहाँ पे जुड़ जाएं, ताकि फिर और भी मजा आए। देखिए ये भी सवाल अपना पेपर का आया हुआ है, सेम शिफ्ट के सवाल मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, तो मैं अब नहीं बताऊंगा बार बार के एग्जाम के आए हुए सवाल हैं। जल्दी से इस सवाल का उत्तर यहाँ पे बता दें कि इस सवाल का उत्तर यहाँ पे करेक्ट क्या होने वाला है, ए बी सी डी में करेक्ट उत्तर क्या आएगा। लगातार पिछले सवाल का सभी बच्चों का ए आंसर आ रहा है, तो बहुत बढ़िया, शानदार भाई। चलिए अब तीसरे नंबर सवाल पे अपन आ चुके हैं। तीसरे नंबर सवाल का सभी बच्चे आंसर दे देंगे, है ना। बाबू राव बी आंसर दे रहे हैं, तो बहुत बढ़िया, बाबू राव का बी आंसर आया है। और देखते हैं और भी बच्चे यहाँ पे क्या आंसर देने वाले हैं। देखिए जल्दी आंसर दिया करो, जल्दी फास्ट। आपको उत्तर कैसे देने हैं, फास्ट, एकदम फास्ट उत्तर देने हैं कि जल्दी फटाफट आपके उत्तर यहाँ पे मेरे पास आ जाए। देखिए भैया बच्चों के लगातार बी आंसर आ रहे हैं, रूपम रॉय, बाबू राव, आशीष दास, है ना भाई, बहुत बढ़िया, देवाशीष, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से वर्ड रिलैक्सेशन लगातार सभी बढ़िया, जो ऊट पटांग नाम रखे हुए हैं सबके आंसर यहाँ पे एकदम सही आ रहे हैं, कुंदन सोनम, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको इसमें क्या देखना है, जैसे कि आप ये देखो इसमें दो फिगर ज्वाइंट है, जैसे कि ये दोनों फिगर ज्वाइंट है, ये भी दोनों ज्वाइंट, ये भी दोनों, इसका मतलब है 4 7 8, ये कॉमन है। देखिए 4 7 8 इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा, इसमें नहीं लिखा, और इसमें भी 4 7 8 लिखा है। आगे देखिए कोई दूसरे फिगर को नोटिस कीजिए, जैसे कि देखो 4 खाने इसमें है, 4 खाने इसमें है, 4 इसमें है, तो 2 और 5 और 6, 2 5 6 का बनना चाहिए, इधर पे नहीं लिखा 2 5 6, इधर पे भी नहीं लिखा, तो एक ही अपना आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और आप देख भी सकते हो 1 3 9 भी सिमिलर होंगे, कैसे, एक वाले में एक फिगर के अंदर एक फिगर बना हुआ है, 3 में 1 के अंदर एक फिगर बना हुआ है, 9 वाले में भी 1 के अंदर एक और दूसरा फिगर यहाँ पे बना हुआ है, शानदार तरीके से, तभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। गुरुजी तीसरे का यहाँ पे बी आंसर होगा। फटाक से देखें सवाल नंबर 4 और तुरंत आंसर बता दें इस सवाल का उत्तर यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सारे बच्चे यहाँ पे बता देंगे, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बी 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 लगातार आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, तो बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। पिंटू भाई की भी आंसर दे रहे हैं, रेशमा का भी आंसर आ चुका है, गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब सवाल नंबर अपने 4 पे आ चुके हैं, 4 का सभी बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बता दें कि गुरुजी ये आंसर होने वाला है सवाल नंबर 4 का। और एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर एयर करो भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए आप लोग लाइक नहीं कर रहे, कितनी गलत बात है, कम से कम जितने लोग देख रहे हैं एटलीस्ट उतने बच्चे तो लाइक कर दे, लाइव एंड लाइक इक्वल होने चाहिए भाई। चलिए लगातार 4th का ए, कुछ बच्चे डी भी आंसर दे रहे हैं, तो देख लेते हैं इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये बना है अपसाइलन या साइन, जो भी है ये साइन जैसा है कुछ, और ये अपना डॉलर है, तो आप ये देख सकते हो ये सब सिंबल्स है, ये सब क्या है, प्रतीक है, सिंबल है, जबकि ए सिंबल नहीं है, ए क्या है, लेटर है, अल्फाबेट में आता है अपना, एक लेटर है, बाकी ये लेटर नहीं है, ये सिंबल है, प्रतीक है, किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए जो होता है वो ए फॉर एप्पल होता है, अल्फाबेट में आता है, अल्फाबेट का एक लेटर है, तो अपना ए ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, ऑप्शन नंबर 1 में जो ए लिखा है तो अपना ये आंसर होने वाला है, ठीक है। 4th का ए बहुत बढ़िया लगातार, अश्वनी राठौर, बाबू राव, आशीष वर्मा, देवाशीष, दीपक, निधि, कुंदन, लगातार सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, तो बहुत ही शानदार, जबरदस्त भाई, मजा आ गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ए सभी बच्चे यहाँ पे ए आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी डी आंसर दे रहे हैं, तो भैया अपने आपको थोड़ा करेक्ट कीजिए, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है 1। किसका किसका गेम ओवर हो गया, हाँ भाई किसका किसका हुआ गेम ओवर, जल्दी से बताएंगे कि हाँ गुरुजी ये वाला गलत हो गया, जल्दी से बताना है इस सवाल का उत्तर, वो भी 2 सेकंड में, 2 से 3 सेकंड में आपका उत्तर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसकी आपको भैया ट्रिक पता होनी चाहिए, ट्रिक। अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो फिर आपका यहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो मतलब ट्रिक इस सवाल की आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप सवाल को चुटकियों में सेकंडों में उड़ा सकें। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। निधि दीक्षित कह रही है गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग। राजू फ्यूचर बहुत बढ़िया लगातार, देखिए जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जगवीर सिंह सर एक कंसेप्ट बेस्ड क्लास लो, ठीक है भैया, कंसेप्ट बेस्ड बहुत सारी मैंने क्लासे ली हुई हैं, आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट मैंने बिल्कुल कंप्लीट सीक्वेंस में बना रखी है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है भाई। जय गुप्ता, रूपम रॉय कह रही है सर जी लाइक कर दिए, तो भैया बहुत बढ़िया, अगर लाइक कर दिए। देखिए
इस सवाल की ट्रिक पता होनी चाहिए और विद इन 2 से 3 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे कैसे 2 और 3 सेकंड में आंसर आ सकता है। कह रहे समर्थ 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, इसका मतलब समर्थ का मुख कहां था भैया? उत्तर की ओर था। समर्थ का फेस कहां था? उत्तर की ओर। इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ गुरुजी इतनी बात क्लियर है। फिर मैंने आपसे कहा है अगर आपसे सवाल में लास्ट में ये पूछा जाए कि उसका मुख किस दिशा में, अगर किस दिशा में मुख है अपन को ये निकालना है, इसका मतलब अपन को फिगर नहीं बनाना है। तो अगर फिगर नहीं बनाना है सिर्फ दाएं बाएं पे फोकस कीजिए, दाएं दाएं और फिर भैया और क्या बाएं, तो इसका मतलब है राइट राइट और लेफ्ट। तो इसका मतलब भैया क्या हो गया, मैंने आपको बता रखा है एक बार राइट घूमना और एक बार लेफ्ट घूमने का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर कोई मतलब नहीं होता तो ये आपस में कट गए, तो ईस्ट नॉर्थ का सिर्फ राइट आंसर आना है। तो आपको पता है नॉर्थ होता ऊपर और नॉर्थ के राइट में होगा अपना ईस्ट, ई ई फॉर ईस्ट और ईस्ट माने पूरब। तो पूरब कहां लिखा है? पूरब लिखा है ऑप्शन नंबर डी में, डी फॉर डॉग अपना राइट आंसर होगा या फिर डी फॉर दिल्ली। चलिए भाई बहुत बढ़िया शानदार तरीके से सभी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। जी गुरुजी मुझे ट्रिक पता थी और बहुत ही शानदार तरीके से सभी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, डी फॉर दिल्ली ईस्ट आंसर अपना आने वाला है। ठीक है भैया बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ें और आंसर बताने की कोशिश करें, देखते हैं किस बच्चे का सबसे पहले उत्तर आता है। सबसे पहले जिस बच्चे का उत्तर आएगा उसका इंतजार रहेगा। सबसे पहले भैया उत्तर आना चाहिए, सबसे पहले, सबसे पहले का मतलब समझते हो आपको फर्स्ट आना है, फर्स्ट। और ऐसे सवाल आपको आने ही चाहिए नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली है, चीजें फिर आपकी छूट जाएंगी, फिर आपके मार्क्स पूरे नहीं आएंगे। जगवीर सिंह कह रहे हैं कि ये मस्त ट्रिक है सर जी। हाँ भैया बहुत मस्त ट्रिक है, ऐसी सारी ट्रिकें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, बस आप क्लास में बने रहें, बहुत ही आनंद आएगा भाई। जल्दी से सवाल को पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। छठवें का ए बच्चे बताने लगे हैं, सबसे पहले कुंदन कुमार का आंसर आया है गुरु जी छठवें का ए, बहुत बढ़िया। फिर कुंदन के बाद दिया है आशीष ने आंसर, फिर राजेश, बहुत बढ़िया, सोनम, बाबू राव, राजू, वर्ड रिलैक्सेशन, निधि, अब लगातार सभी बच्चों के आंसर ए आ रहे हैं। गुरुजी छठवें का ए आंसर होगा। कह रहे हैं गरीबी बढ़ती जा रही है, ठीक है भैया गरीबी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही वो गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, जो गरीबों के पास समस्या आती है उनके बारे में भी कुछ नहीं जानते और राजनेता गरीबी को समझते नहीं है। ठीक है भाई, निष्कर्ष क्या निकाले हम इस बात से, ये जो कथन हमने पढ़ा इससे हम क्या निष्कर्ष निकालें? सभी नेताओं को बदल दिया जाना चाहिए? नहीं भाई, इतना आप तगड़ा कंक्लूजन यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो कि सभी नेताओं को ही बदल दे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा कि सभी नेताओं को बदल देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए? नहीं भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये दोनों कैसे हैं? इलॉजिकल निष्कर्ष, इलॉजिकल बातें कर रहे हो। ये भी देखिए निष्कर्ष में क्या बात होती है कि व्यवहारिक रूप से सत्य होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल सही होने चाहिए उसके, मतलब कि दैनिक व्यवहार में भी चीजें सही होनी चाहिए, निष्कर्ष का ये मतलब होता है। तो आप देखो ना तो प्रैक्टिकली ये वाला पॉसिबल है ना ही प्रैक्टिकली ये वाला पॉसिबल है, एक भी पॉसिबल नहीं है, तभी बच्चे यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल या फिर ए फॉर अमेरिका। बहुत बढ़िया शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, गुरुजी ए आंसर आएगा, बहुत बढ़िया जबरदस्त, लगातार सभी बच्चों के एकदम सही आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे सबसे पहले उत्तर देता है, मैं उसी का नाम यहाँ पे लेने वाला हूं। चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए भाई ध्यान से देखिए इस सवाल को और आंसर देने की कोशिश करें। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सोनम, रेशमा, निधि, शानदार तरीके से सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वर्ड रिलैक्सेशन बहुत बढ़िया भाई, है ना, आशीष दास, सभी लोगों के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। अगले सवाल को पढ़ें और ध्यान से देखें आखिरकार सवाल आपसे पूछना क्या चाहता है, ऐसी कौन सी चीज है जो सवाल आपसे निकलवाना चाहता है, जल्दी से बताएंगे। ये सारे पेपर के आए हुए सवाल है यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए, कह रहे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएंगे उत्तर देने के लिए उनमें कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहे प्राकृतिक संख्याएं ए बी सी डी और ई में विषम संख्या कौन सी है, मतलब आपके पास 5 संख्याएं लिखी हैं ए बी सी डी ई और आपको इसमें से बताना है कि विषम संख्या कौन सी है, इसमें से विषम संख्या कौन सी है, ऑड आपको बताना है कि ऑड कौन सा नंबर इसमें से होगा। जबकि पहला आपको ये दिया गया स्टेटमेंट वो ये कह रहा है ए बी सी डी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो देखो भैया प्राकृतिक, अगर पहले पॉइंट की हम बात करें
तो प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर अनंत तक चलती हैं। तो अगर हम मान लें कि ये नेचुरल नंबर है तो हमें पता है कि दो तीन चार कुछ भी हो सकती है, दो तीन चार पांच और छह। अगर हम मान लें कि चलो सात से स्टार्ट हुई है, सात आठ नौ दस ग्यारह, तो आप हमें बताओ क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ गुरु जी है, ये क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये भी है। तो मतलब हमें ये कैसे पता चले क्या कि भैया कौन से नेचुरल नंबर यहाँ पे लिए गए हैं, तो हम कैसे बताएंगे यहाँ पे कौन सी विषम संख्या है? क्या ए विषम हो सकती है? हाँ दूसरे वाले केस में ए विषम होगी। ए सम हो सकती है? हाँ पहले वाले केस को ले लो तो ए सम हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन इवन है कौन ऑड है। तो दूसरी लाइन का सहारा लेते हैं, कह रहे हैं बी एक अभाज्य संख्या है। दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है बी एक अभाज्य संख्या है। चलिए देखिए अभाज्य की अगर हम बात करें जो किसी से कटती नहीं है, अभाज्य तो भैया दो तीन चार पांच छह, बी एक अभाज्य है। तो आप ये देखो इस केस में ये अभाज्य है कि नहीं? हाँ है। तो आप बता दोगे गुरुजी बी और डी इस केस में ऑड हो गए, लेकिन सुनो ध्यान से, क्या अभाज्य हम बी इसको नहीं रख सकते? दो एक और इधर पे तीन चार और पांच। तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी इसमें भी तो अभाज्य है बी, लेकिन अब ये देखो विषम कौन से लोग हो गए, एक तीन पांच, मतलब ए सी और ई, और ऊपर वाले में कौन से विषम थे, बी और डी। तो मतलब हम ए बी सी डी में दोनों पॉइंटों को पढ़ के ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ए बी सी डी ई में कौन से लोग ऑड हैं, कौन से ऑड नंबर हैं, यहाँ पे हम ये पता नहीं कर पा रहे। तो अगर भैया नहीं पता कर पा रहे, इसका मतलब चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, दोनों को मिला लो तो भी अपना आंसर नहीं आएगा। दिए गए प्रश्न में उत्तर देने के लिए एक अकेला पर्याप्त नहीं, पर्याप्त तो नहीं है। दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो एक ना ही दो पर्याप्त है, ना तो पहले से आंसर आ पा रहा है ना ही दूसरे से आंसर आ पा रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी बच्चे की गुरुजी आएगा ऑप्शन नंबर दो, दो अपना राइट आंसर आने वाला है। तो जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे, बच्चों के यहां पर सी आंसर आ रहे हैं। भैया सी आंसर क्यों दे रहे हो आप लोग? सी का मतलब हो गया एक अकेला पर्याप्त है। सी का मतलब हो गया कि हम पहले वाले पॉइंट से आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी संख्याएं विषम है। तो भैया कहां निकाल पा रहे हैं? इस केस में ये दोनों विषम थे और इस केस में ये लोग विषम है, तो हम कैसे डिसाइड कर दें ए बी सी डी में विषम कौन सा है? नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब सी आंसर नहीं होगा। चौथा हम आंसर कब देते? जब हमें दूसरे से आंसर निकल आता लेकिन पहले वाले से आंसर ना निकलता, तो फिर हम आंसर कौन सा देते? ऑप्शन नंबर फोर। तीसरा मैं बता ही चुका हूं, पहला आंसर तब आता जब हम दोनों की जानकारी को जोड़ लेते और फिर हमारा कोई निष्कर्ष निकल आता, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज समझ गए होंगे गुरुजी, दूसरा वाला आंसर आएगा। ऐसा पिछला वाला सीबीटी वन, अच्छा क्या मतलब कुछ भी बात कर रहे हो क्या? चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे अगले सवाल की। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा। और एक बार भैया सभी बच्चे सेशन को लाइक वगैरह तो कर ही दो, है ना, इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप भी यहाँ पे कुछ सहयोग प्रदान करें तो कुछ अच्छा भी लगे मजा भी आए। चलिए भैया देखिए तब तक, चलिए भाई ध्यान से पढ़ेंगे सवाल। साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, आप लोग भी लगाया करो, बैठे क्यों, जल्दी से कॉपी पेन निकालो और सवाल का आंसर देने की कोशिश करो। साई और सतीश की वर्तमान आयु का योग 5:4 है, तो भैया 5:4 मैंने यहाँ पे सुंदर राइटिंग में लिख लिया, ये कौन सी उम्र है? तो आप कहेंगे गुरु जी ये वर्तमान उम्र है, प्रेजेंट एज है, ये प्रेजेंट एज है 5:4। कह रहे हैं आज से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:9। और आप ये याद रखना कि दूसरे वाले सतीश हैं और ये पहले वाले साई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। देखिए फिर आगे क्या कह रहा है, तो आपको पता है वर्तमान उम्र सतीश की बतानी है, मतलब इस चीज की आपको वैल्यू देनी है। तो मैंने आपको कितनी बार सिखा रखा है कि ये सवाल तभी सॉल्व हो सकता है जब इसमें डिफरेंस कितने का, एक का है और इसमें डिफरेंस दो का है। जब तक ये डिफरेंस आप बराबर नहीं करोगे तब तक आप इस सवाल को जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए ऊपर बस सिर्फ दो का गुणा कर दो, दो का डिफरेंस यहां भी हो जाएगा दो का यहां, तो ये हो जाएंगे 10 और ये हो जाएंगे 8 दो का गुणा करने पर, और ये तो रहेंगे 11:9। तो अगर अब हम बात करें इंक्रीज कितने हुए हैं, 8 से 9, एक बढ़ गए, एक बढ़ने पर कितने साल बढ़े हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी एक बढ़ने से 3 साल बढ़ गए, तो मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई गुरुजी 3,
एक की वैल्यू अगर 3 साल है तो आप ये देख सकते हो कि 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 × 3 = 24 साल। तो जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे गुरुजी 24 साल आंसर आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर अपना सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, लगातार सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि जी गुरुजी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मतलब 24 24 24। विद्युत, अनिका मौर्य बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, तो जबरदस्त भाई, बहुत ही शानदार है ना। वर्षा, मीना, आशीष दास, दीपक, अंकिता मौर्य, लगातार सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए भाई, मस्त, एकदम शानदार, सी सी सी, लगातार सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से इसका आंसर देने की कोशिश करें और आंसर आपका एकदम सही आना चाहिए, है ना, आप गलत आंसर नहीं दे सकते हो, आपका आंसर एकदम सटीक और एकदम सही आना चाहिए। जल्दी से बताएंगे सारे, जगबीर सिंह क्या नहीं, सर आपकी क्लास काकादेव में चलती है क्या? नहीं भाई, यही चलती है जहां आप देख रहे हैं मुझे, है ना, यही आपको देखने के लिए मैं आपको मिलूंगा। देखिए, दी गई आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या बतानी है, सीधी रेखा स्ट्रेट लाइंस आपको बतानी है कि नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इस फिगर में कितनी है, कितनी स्ट्रेट लाइन अपनी बनने वाली है। तो ध्यान से देखना है सभी बच्चों को, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कोई भी एक रेखा कहीं से स्टार्ट हो कहीं तक जब तक रुक ना जाए वो, मतलब मुड़ना नहीं है कभी ऐसे कोई, ये कितनी लाइन है, एक, इतनी अगर कर दें तो भी ये एक ही है, अगर हम इसको ऐसे कर दें ऐसे तो फिर ये लाइनें दो हो गई, समझ रहे हो, मतलब कि लाइन सीधी रेखा कभी मुड़ती नहीं है, सीधे ही जाती है वो जहां तक उसको जाना हो, अनंत उसकी लंबाई होती है तो अनंत काल तक चलती रहेगी लेकिन कभी मुड़ेगी नहीं, सीधी रेखा का मतलब यही होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से कुछ बच्चे 9 भी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चों का 10 आ रहा है, कुछ बच्चे 11 भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे 12 भी दे रहे हैं, तो लगातार सब मिक्स वैरायटी सभी बच्चों की आ रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको ऐसा ही फिगर बना के दिखा देता हूं, सबसे पहले आप हमें ये बताओ, 3 लाइनें तो आपको यही चाहिए जो मैंने नीली नीली यहां पे बनाई हुई है। आइए फिर कलर चेंज कर लेते हैं आपके लिए, फिर आपको क्या करना है, ऐसी 3 लाइनें और खींचना है, 1 2 3, मतलब आपको रेड से भी यहां पे 3 लाइनें मिल चुकी हैं। आइए फिर अगला कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि अब आपको ये छोटी छोटी लाइनें खींचनी है, जैसे एक एक ये और एक ये, तो 3 लाइनें अपनी ब्लैक वाली हो गई। आगे चलते हैं, अगले कोई कलर ले लेते हैं, तो अगला मान लो कलर हमने ये ले लिया, कौन सा ले लें भैया, चलिए हरा ले लिया, हरा नहीं ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ये ध्यान से देखो, अभी तो पूरा फिगर कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आइए फिगर को कंप्लीट करते हैं। तो फिगर को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक ये लाइन खींचनी है, एक, फिर आपको एक ये लाइन खींचनी है, बस ये वाली लाइन नहीं खींचनी, सिर्फ 2 लाइनें और खींचनी है, तो 2 आपको मिल जाएंगे, 3 × 9 = 2 = 11, तो 11 अपना करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे और कुछ आंसर दे रहे हैं तो वो एकदम सही तो नहीं है, अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा है 11। पिंक ले लीजिए, आभा क्या नहीं है, ठीक है ना, पिंक ले लेंगे, बहुत बढ़िया, चलिए पिंक लिखिए सर, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से फटाफट बताएंगे सारे बच्चे के गुरुजी इस सवाल का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, लगातार सभी बच्चे बन 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 आंसर दे रहे हैं, बाबूराव, अंकिता मौर्य, बहुत बढ़िया, जगवीर है ना, कुंदन, सोनम, निधि, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, रेशमा, जय गुप्ता, आशीष वर्मा, सभी लोगों का गुरुजी 1 1 11 आंसर आ रहा है। चलिए अगले सवाल को आप देखेंगे सभी बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आगे आपको बताना है क्या आएगा। सर मेरी उम्र 36 साल हो गई है, अभी जो लोगों पर जगह आने वाली है उसमें, हाँ भैया बिल्कुल, जो आपने लिखा है इसी से काउंट होने वाली है। ठीक है, चलिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आपको पता है एक लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, आगे आने हैं 5 लोग, तो 5 लोग किस ऑप्शन में है, बस आपको वही देख लो, उससे ही आंसर आ जाएगा, नहीं है नहीं है नहीं है, करेक्ट ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, डी फॉर दिल्ली अपना राइट आंसर होगा, तो बहुत बढ़िया, लगातार। अब बताओ इसमें कुछ करना था क्या, पेपर का सवाल है, उड़ा दिया तुरंत। चलिए चलते हैं आगे अपने अगले सवाल की ओर, बस आपको फटाफट ऐसे ही सवाल लगाते जाने हैं। देखिए आपको नहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपको कुछ नंबर यहां पे लिख के दिखा देता हूं, है ना, ये है भैया 6, ये है 7, ये है 2 और ये है 5, ये है 4, ये है 3। ठीक है,
आंसर इन्हीं में से देना है। देखिए आपसे पूछा गया अनुशासित नहीं है, तो अनुशासित कहां पे बने हैं, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल के सबसे पहले लोग हटा ही दो, ये लोग अगर हम हटा देंगे तो आपको पता है ये लोग सब खत्म हो गए। ये सब लोग कैसे हो गए, खत्म हो गए, इनमें कोई भी लोग नहीं बचा है। तो फिर हमें बताना क्या था, खिलाड़ियों को दर्शाते हैं, खिलाड़ी होना चाहिए, खिलाड़ी हो बस, है ना। तो खिलाड़ी किसमें रखे हैं, देख सकते हो खिलाड़ी रखे हैं सर्किल में। ऐसे कितने लोग हैं जो सर्किल के अंदर आते लेकिन रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, तो आपको दिख रहे होंगे 7, 5 और 4। तो आपको पता है कि 7, 4, 11, 5, 16, 16 का मतलब ऑप्शन नंबर 3, 3 राइट आंसर आना है जिसमें लिखा है 16। तो 16 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनटीपीसी वाले क्वेश्चन लाओ सर आशीष दत्त भैया, वो भी ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिक्स प्रैक्टिस का मतलब है कुछ भी आप प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर की सब कुछ करेंगे, कभी एनटीपीसी कभी एएलपी सब कुछ। मतलब आप ये नहीं कह सकते गुरुजी ये पुराने सवाल है इनको अब मत कराइए, तो मैं आपके लिए एनटीपीसी के भी करा देता हूँ, उससे लेटेस्ट तो शायद ही कोई नहीं है, है ना। ग्रुप डी एनटीपीसी से लेटेस्ट अभी रेलवे के कोई भी एग्जाम नहीं हुए। चलिए देखिए इस सवाल का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। 16, 16, 16, 16 बहुत बढ़िया भाई, 16, 16, 16 लगातार सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं कि हाँ गुरुजी 16 आंसर इसका आएगा, ठीक है ना भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल को और देखें, इसका आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। जल्दी से पढ़ेंगे सवाल और आंसर देंगे। अपना अजम्पशन का सवाल है, आर्ग्यूमेंट मतलब स्टेटमेंट दिया गया है और आपको उसका अजम्पशन निकालना है, मतलब कि क्या पूर्व धारणा रही होगी ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए, विचार करेंगे कौन सी अंतर्निहित है, अंतर्निहित वाली आपको बता देनी है। कह रहे हैं एक्स वाई को सलाह देता है, क्या भैया एक्स वाई को क्या सलाह देता है, एक्स जो है वो वाई को सलाह दे रहा है, ध्यान कान लगा के सुनना कि वो आखिर कह क्या रहा है। एक्स वाई को सलाह देता है क्या, ठीक है, भुवन भाई भी आ चुके हैं तो बहुत बढ़िया। कह रहे हैं एक्स वाई को सलाह देता है कि वो प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहती है तो उसे IIM जाना चाहिए, है ना। IIM एक कॉलेज है जहां से आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म भी है। तो एक्स ने बाई से कहा अगर तुम्हें प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो आप IIM उसे जाना चाहिए, अगर वो चाहती है करना या चाहता है जो भी है तो उसे IIM जाना चाहिए, ऐसी सलाह किसकी है, एक्स की सलाह बाई को है, बाई को ज्ञान दे दिया किसने, एक्स ने। अब इसके पीछे एक्स क्या सोच रहा है उसके मन की बात जाननी है, पूर्व धारणा में किसके यह सोचना, एक्स के मन की बात, एक्स के मन की बात, जैसे मोदी जी के मन की बात होती है, एक्स के मन की बात आपको पढ़नी है कि एक्स के मन में आखिर चलता क्या है, चल क्या रहा है एक्स के मन में। IIM उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, क्या एक्स ये सोच रहा है। दूसरी बात यह है एक्स बाई द्वारा दी गई सलाह सुनेगा, एक्स जो है वो बाई द्वारा दी गई सलाह को सुनेगा, एक्स लिसन टू द एडवाइस गिवन बाई बाई। अच्छा एक्स बाई को सलाह देता है, एक्स क्यों सुनेगा, है ना। IIM शिक्षा प्रदान करता तो आप कहेंगे हाँ गुरुजी एकदम सही बात है, क्या कि बेहतर शिक्षा प्रदान करता है, ऐसा तो एक्स सोच रहा है तभी तो वो ज्ञान दे रहा है भाई को। दूसरा सुनते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा ये है एक्स भाई द्वारा बताई गई सलाह को सुनेगा, तो भैया यहां भी कुछ गलत लिख गया होगा, भाई और एक्स होगा, भाई को सलाह दी जा रही है ना, सलाह सुने, सुन कौन रहा है यहां पे, भाई सुन रहा है, भाई एक्स द्वारा दी गई सलाह को सुनेगा, हाँ जी भैया एक्स तो यही सोच रहा है कि हमारी दी गई सलाह को सुनेगा, तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दोनों पूर्व धारणाएं निहित हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आने वाला है। जल्दी से सभी बच्चे बता देंगे कमेंट करके हाँ गुरुजी डी आंसर आने वाला है, ठीक है भाई। चलिए भाई बहुत बढ़िया, लगातार बच्चे कोई ए आंसर दे रहा है, ए नहीं उसको सही कर लो, अगर वो क्या कहते हैं एक्स जो है भाई की सलाह सुनेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा, ऐसे सवाल जनरली नहीं बनते, वो मिसप्रिंट होगा। जनरली सवाल ये बनता है कि जो सलाह सुन रहा मतलब कि जिसको दी जा रही है वो सलाह मानेगा, है ना, बोलने वाले को तो यही लगता है, जैसे कि हम आपको कुछ समझा रहे हैं तो हम ऐसा पूर्व अनुमान लगा के चल रहे हैं कि आप हमारी बात मान रहे होंगे, हमारी बात सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चलिए आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा सोचता हूं अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप मैं आपसे अगर ये कह रहा हूं कि मैं मेरा वीडियो लाइक कर दो, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा हूं कि आप मेरा वीडियो लाइक कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यही सोचता कि भैया हम आए कहने से आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो मैं कभी ना कहूं, क्यों कहूं, है ना। तो कोई भी व्यक्ति कोई बात तभी कहता जब उसे ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ये काम करेगा। हाँ क्वेश्चन चेंज नहीं करते तो होता, हाँ भैया, हाँ वर्षा मीना। देखिए पीपल का रिलेशन पर्सन है, सबसे पहले आप ये देखो ये एक ही चीज तो लिखी है,
प्यूपिल का रिलेशन पर्सन से है, मतलब प्यूपिल और पर्सन एक ही बात तो है, लेकिन प्यूपिल कभी एक व्यक्ति को नहीं कह सकते। प्यूपिल कैसा होता है? प्यूरल है, प्यूपिल प्यूरल है, जबकि पर्सन कैसा है? सिंगुलर है। पर्सन कैसा है? सिंगुलर है, मतलब एक बचन और बहुवचन का कॉन्सेप्ट है। प्यूपिल बहुवचन है और उसका सिंगुलर क्या हो जाएगा? आपका पर्सन। तो वही चीज आपको देखनी है, आपको बताना है कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है, एबीसीडी में क्या सही आएगा। ठीक है, अंकिता मौर्य का ए आंसर आ चुका है ना, बहुत सारे बच्चे ए आंसर दे रहे हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, सवाल नंबर 13 का करेक्ट बताना है, आप लोग गलत आंसर आ रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए प्यूपिल का रिलेशन अगर पर्सन से है, मतलब प्यूरल से सिंगुलर आपको जाना है, तो आप ये देखिए फंगस का फंगी से होगा, रेडियस का रेडियाई से होगा, न्यूक्लियस का न्यूक्लियाई से होगा, या फिर कैक्टी का कैक्टस से होगा। तो आपको पता है ये आई लगाने से, जैसे फंगस का फंगी, ये फंगी जो है ना वो प्यूरल है। फंगी कैसा है? प्यूरल है। फंगस सिंगुलर होता है, उसका प्यूरल होता है फंगी। जैसे रेडियस एक होता है, अगर रेडियस से ज्यादा चाहिए, ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई बोलना पड़ता है उसको। न्यूक्लियस को क्या? न्यूक्लियाई बोलना पड़ता है, ये प्यूरल है। ये सब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। जैसे इसमें उल्टा लिखा है, कैक्टस का कैक्टी होता तो फिर ये सारे ऑप्शन सेम हो जाता है, लेकिन कैक्टी का मतलब यहाँ पे प्यूरल है, जबकि कैक्टस यहाँ पे कैसा होगा? सिंगुलर। इसका मतलब इसके जैसा है ऑप्शन नंबर 4, कैक्टी का कैक्टस, ये अपना 4th ऑप्शन एकदम सही होगा। चलिए भाई, प्यूपिल नहीं है, पपिल नहीं है, प्यूपिल है सर। अच्छा अब ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखिए आपको ये दिख रहा होगा, प्यूपिल का पर्सन हो गया मतलब प्यूरल से सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब कैक्टी से कैक्टस हो जाएगा, ये भी प्यूरल से सिंगुलर, मतलब कि ये सारे अपोजिट लिखे थे, ये सिंगुलर है, ये प्यूरल, सिंगुलर प्यूरल, सिंगुलर प्यूरल, जबकि यहां पे प्यूरल सिंगुलर ये है अपना क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट के जैसा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। 13 का डी लगातार सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। आप लोग याद रखिए कि कभी जब यूएस हटा के यहाँ पे आई लगाया जाए तो आई हमेशा प्यूरल को दिखाता है, ये प्यूरल हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल आपके सामने आ चुका, फटाक से बता देंगे, अपना सिलोगिज्म का सवाल है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। डी डी डी, बस मुझे यही अच्छा लगता है कि सारे बच्चों के यहाँ पे एकदम सही उत्तर आ जाते हैं, बस ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। रूपम, निधि, अंकिता मौर है ना, भुवन, रेशमा, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। प्रदीप, देवाशीष, लगातार सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। कुछ अभिनेता व्यापारी हैं, ठीक है भैया, ए फॉर अभिनेता। कुछ अभिनेता क्या हैं? व्यापारी हैं, बी फॉर व्यापारी। सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं, सभी व्यापारी कैसे हैं? बुद्धिमान, बी फॉर बुद्धिमान, है ना। चलिए निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कह रहे सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं, तो भैया आप हमें ये बताओ सभी अभिनेता क्या बुद्धिमान के अंदर है? सभी ए बी के अंदर है? नहीं भैया, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ की कहते तो हम ये कह देते हाँ भैया आपकी बात सही है। और सभी व्यापारी अभिनेता हैं, तो भैया आप देखो क्या सभी व्यापारी जो है वो अभिनेता के अंदर आते हैं? ना जी गुरुजी, ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मतलब ना तो पहला निष्कर्ष निकलना, ना ही दूसरा। आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी, बी अपना राइट आंसर होने वाला है। जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे बता दें। बहुत बढ़िया भाई, बहुत रॉन्ग, लगातार सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं, तो जबरदस्त भाई, बेहतरीन। सभी बच्चों के आंसर एकदम सही है, मैं देख रहा हूं कि सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। पुष्पेंद्र सिंह आ चुके हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, तो गुड इवनिंग भाई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। एबीसीडी में, एबीसीडी में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता देंगे सारे बच्चे। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार भाई। पुष्पेंद्र सिंह कह रहे हैं हेलो सर, हेलो भाई, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दे दिया है। गुरुजी ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। चलिए आ चुके हैं अपन सवाल नंबर 15 की, और 15 नंबर सवाल का सभी बच्चे आंसर दे दें कि 15 नंबर सवाल का क्या आंसर आएगा। देखिए इतना तो क्लियर ही है क्या कि हर बॉक्स में दो आपके चांद जैसे बने हुए हैं, दो अर्ध चांद या फिर क्वार्टर सर्किल कुछ भी बोल लो, मतलब इस तरीके के दो फिगर आने हैं। तो मुझे तो एक चीज यहां पे ये दिख रही है कि अगर इसको कंप्लीट करेंगे तो ऐसा फिगर तो आने ही वाला है, मतलब ये चांद तो आएगा ही। अगर ये चांद आएगा तो आप ये देखो, ये चांद इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, और ये चांद इसमें भी है, इसका मतलब इससे तो फिगर नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखो, इधर पे भी दो लाइन है, इधर पे भी दो लाइन है,
इधर पे भी दो ऐसे चांद हैं, तो इसका मतलब दो चांद यहां भी होंगे, तो इसका मतलब इधर पे तीन चांद है, ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर ए और बी में कोई होगा। अब आपको ये डिसाइड करना है ए आंसर होगा या फिर बी। टीचर आप जो हो सर जी, अच्छा चलिए भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर यहां पे क्या होने वाला है ए बी में। बी सी डी तो मैंने बता दिया कि आंसर नहीं होगा, तो आप ये देखो ये दोनों जो है ना वो आपस में टच है, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में दूर हैं, तो ये वाले भी आपस में कैसे हैं, दूर हैं, दूर दूर हैं चांद, तो इसका मतलब ये वाले चांद आपस में कनेक्टेड होंगे, और किस तरीके से एक लाइन तो अपनी ये आएगी, और कनेक्ट करने के लिए इसको किस तरीके से जोड़ना पड़ेगा ए या फिर बी, है ना, ये इस तरीके से थे ये इस तरीके से, तो अब बताएंगे ए और बी में से आंसर अपना क्या होगा। चलिए बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, तो बी आंसर आपको समझ आ गया होगा कि गुरुजी इस तरीके से अपना कनेक्ट होगा, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन बनाने का कोई यहां पे पर्पस नहीं है, समझ रहे हो। तो बी आंसर लगातार सब, देखिए वर्षा मीना ए आंसर दे रही हैं, देखिए इसका आंसर ये नहीं हो सकता, फिर आप ये देखो ये दो लोग कनेक्ट नहीं हो जाएंगे, ये वाला फिगर इस वाले फिगर से कनेक्ट हो जाएगा, जबकि कोई भी दो लाइनें सिर्फ एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है, समझ रहे हो। तो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि लगातार सभी बच्चों का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, एक भी सिंगल बच्चे नहीं है जिसने भी गलत आंसर यहां पे दिया हो, सबका बी 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 बी, बहुत बढ़िया शानदार भाई। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, अपना सवाल नंबर 16, 16 में आप ध्यान से देखिए, इसमें गलती होने के चांस हैं, गलती होने के चांस हैं, गलती होगी, गलती होगी भैया, जल्दी से ध्यान से देखें, गलती होगी 100%, है ना, थोड़ा कम भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, गलती होगी, ध्यान से देखेंगे तभी आंसर देंगे सारे बच्चे, बिना ध्यान से हम लाइक कर दिए सर तो ठीक है, थैंक यू निधि, अगर आपने लाइक कर दिया है बहुत बढ़िया, ऐसे ही सारे बच्चे लाइक कर दें तो अच्छा रहेगा, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बी 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 लगातार सभी बच्चों का, हाँ भैया सबका समझ में आ चुका है बी आएगा, प्रदीप बौरी का भी आंसर आ चुका है, तो बहुत बढ़िया लगातार भाई। चलिए इस सवाल का उत्तर बता दीजिए, पढ़िए और आंसर बताइए। कुंदन आंसर दे रहे हैं 33, तीन तीन, अच्छा तीन आंसर दे रहे हैं, देखिए तीन आंसर आएगा या फिर नहीं, है ना, सभी सी बच्चे आंसर दे रहे हैं, राजू का भी आंसर सी आ गया है, है ना, सी आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, चलिए देखिए बताते हैं क्या होगा। सबसे पहले आपसे पूछा दी गई श्रृंखला में कितने आठ ऐसे हैं, आठ ऐसे हैं जो बाईं ओर से विभाजित नहीं होते लेकिन दाईं ओर से होते, छोड़ो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने एक काम किया, आप सबसे पहले वो ऐसे लोग लिख लो जिनमें आठ लिखा है, उन लोगों पे फोकस करो जिन पे आठ लिखा है, तो आप ये देखो यहाँ पे तीन आठ लिखे लोग हमें मिल चुके हैं, और इसके पहले लिखा है चार और इधर पे लिखा है नौ, आगे आए इधर पे लिखा है 5883, ठीक है भाई। तो अब आपको जो कंडीशन दे रहा है उनको हम फॉलो करवा लेते हैं, आपसे कह रहे हैं कि बाई और लिखे से विभाजित नहीं होना चाहिए, बाई से विभाजित ना हो, तो आप ये देखो ये वाला आठ तो इस चार से विभाजित है, इसका मतलब ये वाला तो आठ नहीं ले सकते, ये वाला आठ अपने बाईं ओर से विभाजित नहीं है क्या, है, तो ये वाला आठ भी नहीं ले सकते, ये वाला आठ इससे विभाजित नहीं है क्या, हाँ है, मतलब कि ये वाला भी नहीं ले सकते, तो आप ये देखो ये एक भी आठ ऐसे नहीं है जो अपने लेफ्ट वाले से विभाजित ना हो, मतलब इनमें से कोई भी एक भी पेयर नहीं आने वाला, क्या ये वाला आठ अपने बाएं वाले से विभाजित है, तो आप कहेंगे ना जी गुरु जी ना, ये वाला आठ जो है वो अपने पांच से विभाजित नहीं है, अच्छा लेकिन दाईं ओर से पूर्णता होना चाहिए, तो अपने दाईं ओर ये वाला आठ आ रहा है, तो ये वाला आठ इससे विभाजित है कि नहीं, हाँ गुरुजी बिल्कुल है, मतलब एक पेयर मिल गया 588, इसमें ये वाला आठ ऐसा है जो बाएं वाले से विभाजित नहीं है जबकि दाएं वाले से विभाजित है। चलिए इस अगर आठ की बात अगर आप करना चाहते हो तो इस वाली अपने राइट लेफ्ट से विभाजित है कि नहीं, तो भैया ये विभाजित है, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, तो एक ही ऐसा बचा है पेयर जो अपनी ये कंडीशन को पूरी कर रहा है, तो वो आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी में जिसमें लिखा है वन। लगातार सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं कि हाँ गुरुजी बी बी बी। आशीष वर्मा धोखा, अरे भाई धोखा किसने दे दिया है, जैसे धोखे हो गए चक्कर में ना पड़ो अभी आप लोग सॉरी भाई, चलिए भाई बट राइट से बोल रहे हैं, बट राइट से बोल रहे हैं क्या भैया, हाँ राइट साइड विजिबल होना चाहिए, देखिए ये अपने राइट ओर साइड विजिबल है, बहुत बढ़िया भाई, चलिए लगातार बी 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 आंसर आ रहे हैं सारे बच्चों के। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर, बहुत गजब सवाल, मजा आ जाएगा।
देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल का सही आंसर दे पाते हैं। मुझे बस इस बात का इंतजार आपका रहेगा कि किस बच्चे का यहाँ पे सही उत्तर सबसे पहले आता है। जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे एकदम सही उत्तर। हमें तो अपनों ने लूटा। हाँ भाई तुम्हें तो सारे लोग लूट ही लेंगे। टिकट कट गया। कहाँ कट गया भाई? चलिए देखिए इस सवाल का उत्तर बताएंगे सभी बच्चे। फटाक से बता देंगे गुरुजी 17 नंबर सवाल का क्या आंसर आने वाला है। जल्दी से लाइक शेयर ठोकेंगे सभी बच्चे, है ना, महाकाल के आशीर्वाद से। चलिए भाई बहुत बढ़िया। बी बी लगातार बी आंसर आ चुका है, सोफा काउच, है ना। बी बच्चे आंसर दे रहे हैं लेकिन आपको देखना है कि सही आंसर क्या होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे यहाँ पे कोई भी आंसर दे रहा है, कोई सी आंसर दे रहा है। जल्दी से बताएं, देखिए बहुत सिंपल सा सवाल है। अगर पेपर में ये सवाल गलत हो रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आप ये देखोगे रीजनिंग चाहे जितना पढ़ लो आप, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, है ना। चलिए भाई डी आंसर देने लगी है रेशमा कुशवाहा, राहुल, ओम प्रकाश बी दे रहे हैं। अच्छा फंसे रह गए कुछ बच्चे, अलग अलग आंसर सबके आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं, प्राचीन का अगर रिलेशन पुराने से है, इसका मतलब हो गया एंशियंट ओल्ड, मतलब ये सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे जैसे ही सिमिलर चीजें हैं। पुराना हो चाहे प्राचीन एक ही बात है। बेड सीट के जैसा कौन होगा ये आपको बताना है। तो अब आप ये देखो बेड सीट के जैसा क्या तकिया होगा? क्या नहीं, बेड सीट के जैसा तकिया नहीं होगा। काउच की बात करें क्या सोफा बेड सीट की तरह होगा? नहीं होगा। बर्थ की बात करें तो भैया बर्थ भी एक जगह मतलब स्पेस होता है, तो बर्थ भी क्या होगा? बर्थ भी अपना बेड सीट की तरह नहीं होगा। बेडशीट के सिमिलर होगी रजाई, है ना। जैसे रजाई भी, जैसे बेडशीट हम बिछा लेते हैं ऐसे हम रजाई भी बिछा सकते हैं, है ना। मजा भी आता है रजाई के ऊपर बैठ के सोने, लेट के मतलब लेटना अच्छा लगता है ना। चलिए भाई आशीष दास कह रहे हैं कंफ्यूजन। हाँ भैया कंफ्यूजन होने वाली थी, सिमिलर आपको ढूंढना, तो बेडशीट के जैसा सिमिलर होगा यहाँ पे रजाई, और कोई भी सिमिलर नहीं हो सकता। सत्रहवें का सी 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 लगातार अब सभी बच्चों का आने लगा है। देखिए भैया घड़ी के सवाल पेपर में आते हैं तो आपको क्लॉक भी आनी चाहिए। जल्दी से फटाफट सभी बच्चे इस सवाल का उत्तर यहां पे बता देंगे। चलिए भैया बताओ, चलिए भाई इस सवाल का जल्दी से उत्तर बताएंगे सारे बच्चों। ये सब डिग्री हैं, ये सब क्या है? डिग्री हैं। 6.5 डिग्री, 18.5 डिग्री, 8 डिग्री, 83.5 डिग्री। जल्दी से बताओ भाई, है ना। बर्थ एक जगह का नाम है, स्पेस होता है। जैसे कि आपने ट्रेन में देखेंगे बर्थ होती है, कौन सी बर्थ बुक की है? तो भैया D4 में हमारी 16 नंबर की शीट बुक है, तो बर्थ होती है ना भाई। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए सभी बच्चे बता देंगे गुरुजी इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, इसमें क्या आंसर होगा। देखिए 4:37 दोपहर के बाद मिनट की सुई घंटे की सुई के बीच न्यून कोण कितना बनेगा? देखिए न्यून कोण हो चाहे अधिक कोण हमें उससे कोई मतलब नहीं। 4:37 मतलब तब पड़ेगा जब हम जो आंसर निकाल लें वो ऑप्शन में ना मिले, है ना। देखिए जाने 4:37 तो मुझे आपको बताना है कि अगर h बज के m मिनट है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण थीटा बराबर, इंपॉर्टेंट है भैया, थीटा बराबर 30h - 11/2 m, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कि करेक्ट अपना ये वाला फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला अपना हो जाएगा। तो अपना एक करेक्ट क्या कहते हैं इसको, फॉर्मूला, है ना। तो सबसे सही फॉर्मूला अपना यही हो जाएगा 30h - 11/2 m। इसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है, बड़े में से छोटे को घटाना है। ऑप्शन में ना मिले तो 360 में से घटा देते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। ये कैसा डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट, इससे आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप, अब आपको थीटा ही तो निकालना है। यहां पे एच कितना है, एच हो जाएगा यहां पे 4:30 - 4 - 11/2 m 37। तो अब आप ये देखो 3×4=120 - 337 × 11, तो देखिए गुणा करना बहुत आसान है, 407, 370 + 37 = 370, और उसमें 37 और जोड़ दो तो 407, 407 में अगर 2 से भाग दे दिया तो कितना आएगा, 203.5, ठीक है। तो 120 में अगर इनका डिफरेंस ले लेंगे तो कितने का आएगा, 83.5। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली,
डी फॉर दिल्ली अपना राइट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से बता दें। चलिए बात बहुत बढ़िया, डी 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 लगातार सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से देखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर यहां पे क्या होगा। जल्दी से बताओ भैया इसका आंसर क्या होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, डी डी लगातार सभी बच्चों के आ चुके हैं, तो भाई दिल खुश कर दिया कि डी डी आ रहे हैं लगातार। चलिए अगले सवाल का उत्तर दीजिए कि इस सवाल का उत्तर यहाँ पे क्या होने वाला। देखिए आपने नॉर्मल चैप्टर सभी बच्चे पढ़ते रहते हैं, इस टाइप का चैप्टर कोई नहीं पढ़ता, मतलब कि इनको छोड़ देते हैं, हल्के में लेने लगते बच्चे, तो आपको इन चीजों से देखना है। ये पेपर में अगर गलत हो गए ना तो इनका नंबर वही कटेगा जो आपका नॉर्मल रीजनिंग में कटता है, समझ रहे हो, जबकि ये आसान है, आप करंट कठिन क्वेश्चन करके आ जाएंगे और इनमें अपने नंबर डुबा के आ जाएंगे, है ना। तो ऐसा ना करें, इनको भी लिटरली ध्यान से समझने की कोशिश करें, हल्का सा यहां वहां पॉइंट खिसका तो फिर इनके आंसर गलत हो जाते हैं। 19 का ए ए बच्चे आंसर दे रहे हैं, ए ये वाला ए या फिर ऑप्शन ए, क्या है भैया ए, है ना। चलिए भाई बी 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 इन द, अच्छा भाई बहुत बढ़िया ऑप्शन ए, कुंदन कुमार कह रहे हैं, तो भाई बहुत बढ़िया। देखते हैं अब आपको दिख रहा होगा कि इधर पे सेम फिगर इस तरीके से चल रहे हैं, ये सब सेम फिगर है, मतलब ये डिजाइन देखिए सब में सेम बनी है। तो अब आप ये देख रहे होगे ये सिंपल फिगर होता है, इसमें लाइनें खिंच जाती हैं ये क्रॉस, और यहां पे बिंदी लग जाती है। तो अब आप ये देखो चारों तरफ बिंदी होनी चाहिए, इसमें देखो दो ही बिंदी, इसमें भी दो बिंदी, अब चारों बिंदी कहां होनी चाहिए, तो चारों बिंदी भैया बाहर साइड होनी चाहिए फिगर में, मतलब बी, और बी किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो अपना वन राइट आंसर हो जाएगा, वन 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 लगातार सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। चलिए भाई सवाल नंबर, इसका आंसर फटाक से दे देंगे, सवाल नंबर 20 का आंसर यहां पे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। गुरुजी सवाल नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी में, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा उठा देता हूं। चलिए आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा ए बी सी डी में, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया भाई, चलिए भाई जबरदस्त, सभी बच्चों के बी बी बी, गुरुजी बी, अच्छा ए आंसर आने लगा है, रूपम रॉय ने ए आंसर दे दिया है, है ना। निधि दीक्षित ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, भुवन भाई का भी ए आंसर आ चुका है, तो जबरदस्त भाई। चलिए भाई इस सवाल का मुझे देखना है कि सवाल नंबर 20 जो अपना है इसका कौन सा बच्चा करेक्ट आंसर देता है। करेक्ट आंसर चाहिए भैया, करेक्ट करेक्ट ही आंसर आना चाहिए सभी बच्चों का, गलती की गुंजाइश नहीं है, नो गुंजाइश ऑफ गलती, ठीक है भाई। चलिए लगातार बच्चे 20 में का डी आंसर देने लगे हैं, कुछ बच्चे 20 में का ए आंसर दे रहे हैं, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, डी 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 लगातार सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। चलिए देखिए इस सवाल को पढ़ते हैं कि रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है, रेलगाड़ी के किराए में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हो गई है, 25% की वृद्धि कर दी है, कहां पे, रेलगाड़ी किराए में। तो पूरा जो हमारा स्टेटमेंट है वो रेलगाड़ी के हिसाब से घूम रहा है, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी में यात्रा करना पसंद करते हैं, ये मान्यताएं हैं, मतलब अजम्पशन। अजम्पशन किसकी तरह सोचना है, रेलवे क्या सोचता है, रेलवे अपना क्या सोचता है, रेलवे के मन में क्या है, रेलवे के मन में कौन सी बात है। तो अब आपको पता है लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी से यात्रा करना पसंद करेंगे, हाँ भैया रेलवे तो यही सोच रहा है कि हम चाहे किराया बढ़ाएं चाहे कुछ करें, लोग पसंद करेंगे यात्रा करना, 25% बढ़ा भी दिया इसका मतलब वो अभी भी यही सोचेंगे कि हाँ भैया लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। देखिए कोई भी प्राइस तभी बढ़ते जब कंपनी ऐसा माने कि हाँ इस प्राइस पे लोग खरीदेंगे, जैसे कि कोई भी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का कोई भी प्राइस रख दिया, अगर उसे ऐसा लगेगा कि इस प्रोडक्ट पे इस रेंज पे कोई बायर ही हमको नहीं मिलेगा, तो अगर बायर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट उस पे नहीं रखेगा। अगर किसी चीज के प्रोडक्ट की वैल्यू कुछ रखी है तो इसका मतलब वो कंपनी का मालिक यही सोचता है कि हाँ इस आपके प्राइस पॉइंट पे लोग इसको परचेज करेंगे, है ना। चलिए भाई लोग परिवहन के अन्य साधन भी किराए में वृद्धि करवा, देखिए भाई परिवहन के अन्य साधन भी किराए की वृद्धि करवा सकते हैं, स्टेटमेंट में रेलवे का पूछा है जबकि इसमें बताया है अन्य परिवहन का, तो आपको पता है ये दायरे से बाहर हो गया, कथन के दायरे से बाहर हो गया, इससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, ये निष्कर्ष हम नहीं निकाल पाएंगे रेलगाड़ी का बताने से, अन्य परिवहन में क्या कर रहे हो नहीं पता, केवल बंद मान्यता निहित है, कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है कि गुरुजी केवल पहली निहित है,
चलिए भाई बहुत बढ़िया, डी 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 लगातार सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, तो बहुत ही बढ़िया शानदार भाई। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर ये नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 21 का सभी बच्चे आंसर बता दें गुरुजी, 21 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी बताएंगे जबरदस्त तरीके से सारे बच्चे। मलेशिया में रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं, श्री जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। अच्छा सवाल आपसे ये है कि आपको बताना है कि वेट कितनी देर करना है, वेट वेट का आंसर देना है, जबकि श्री ट्रेन जेड को ट्रेन के लिए कितनी देर प्रतीक्षा करनी चलती। ठीक है भैया, समय से चलती है और रेलगाड़ियां समय से चलती है, राइट टाइम, लेट नहीं होती है। श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, अब 10 बजे पहुंच गए थे, केवल पहले पॉइंट से हम ये बता देंगे कि वो कितनी देर वेट करें, नहीं, तो इसका मतलब हमें दूसरे पॉइंट की भी जरूरत है। सुबह 11 बजे एक ट्रेन है, तो अगर 11 बजे वाली ट्रेन उन्हें लेना है तो उन्हें 1 घंटे की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, और अगली ट्रेन रात के 12 बजे, तो इसका मतलब उन्हें फिर कितने घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 11 से 12 और 13 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मतलब हम आंसर दे पा रहे हैं कब, जब हमें दोनों स्टेटमेंटों को मिला के जानकारी दे दी जाए, दोनों अगर मिला दें तो फिर हम स्टेटमेंट की जानकारी दे सकते हैं। दोनों कथन वन और कथन दो पर्याप्त है, कथन वन और कथन दो दोनों पर्याप्त है, किसी एक से जानकारी नहीं आ सकती है ना, जबकि हमें दोनों कथन चाहिए, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, दोनों चाहिए भाई, दोनों बोथ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, सी 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 लगातार सभी बच्चों का आंसर आने लगा है। चलिए चलते हैं अगले सवाल को, सवाल नंबर अपना आ चुका है 47, 47 को आप ध्यान से देखें और आंसर बताने की कोशिश करें। अच्छा परीक्षा का संबंध सफलता से है तो मैच का किससे होगा ये बताना है आपको, परीक्षा में अगर सफलता मिलती तो मैच में क्या मिलती है। अच्छा मैच में तैयारी मिलती है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं, मैच में प्रयास मिलता है, नहीं भाई, मैच में क्रिकेट मिल जाएगा, नहीं भाई, मैच में मिलती है विजय, विक्ट्री होती है मैच में, है ना, मैच से क्या मिलता है, विक्ट्री, विक्ट्री या डिफीट, है ना, तो विक्ट्री अपन को मिलती है, और परीक्षा में क्या होती है सफलता, तो मैच में क्या होती है विजय, मतलब अगर परीक्षा में पास हो जाओ तो सफलता बोलते हैं, मैच में अगर जीत जाओ तो उसको विजयी बोलते हैं, है ना, विक्ट्री, बहुत बढ़िया, विजय 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 लगातार सभी बच्चों का आंसर आने लगा है, विजय। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, फटाक से आंसर देंगे, देखने में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है कठिन बिल्कुल भी नहीं। चलिए भाई शानदार तरीके से सभी बच्चे आंसर बता देंगे कि गुरुजी इसका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है। डी 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 डी, बहुत बढ़िया, लगातार सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, गुरुजी डी आंसर आएगा। देखिए कुछ नहीं करना, 122 345 -1, इसमें अगर डिवाइड देंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, तो 3 × 3 अगर हम इधर पे देखें तो 1 2 2 और 3 अगर घटा दें तो 3 4 2, तो चलो तो 4 लास्ट में आना चाहिए, दो लोगों में तो ने जोड़ लो फिर 4 6 4, अपना ए आंसर आ जाएगा 4 6 4, है ना भाई, 33 का ए आंसर आएगा या नहीं सभी बच्चे एक बार बताएंगे कमेंट करके, गुरुजी 33 का ए आंसर आने वाला है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सवाल नंबर 24, क्रिस पार्थिव से 5 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष पहले क्रिस की उम्र की 3 गुना पार्थिव की उम्र के दुगने से 10 वर्ष ज्यादा है, ठीक है, क्रिस की वर्तमान उम्र बताओ। तो सबसे पहले आप ये देखो, क्रिस जो है ना वो क्रिस पार्थिव से कैसा है, 5 वर्ष छोटा है, तो अब आप ये देखो अगर ये एक्स के हैं तो क्रिस 5 वर्ष ज्यादा होंगे, मतलब की जो पार्थिव है वो 5 साल ज्यादा होगा क्रिस से। चलिए आइए ऑप्शन को उठाते हैं क्या कह रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन अगर हम ये ध्यान से देखें ए वाला, तो वो कह रहा है कि क्रिस जो है ना वो 28 साल के, देखिए आपसे यही तो पूछा था क्रिस की वर्तमान उम्र क्या है, क्रिस की, तो ऑप्शन में क्रिस की ही दी गई होगी, अगर क्रिस 28 के हैं तो ये वाला कितने का हो जाएगा, 33 का। अब देखो हमसे क्या कह रहे थे कि 8 साल पहले की बात करो, तो 8 साल पहले ये तो 20 के थे और 8 साल पहले ये तो 25 के थे, अब हमसे कह रहे हैं कि क्रिस की उम्र का 3 गुना कर दीजिए, तो हमने कहा ओके, क्रिस की उम्र का 3 गुना होता है 60, और इनका कितना गुना कर दीजिए, इनका कर दीजिए, इनका 3 गुना नहीं, इनका करना है उम्र का 3 गुना, पार्थिव का 2 गुना, तो ये कितना हो गया 50, और कह रहे हैं कि इसमें 10 का अंतर, उम्र के दोगुने से 10 वर्ष ज्यादा है कौन, क्रिश, क्रिश देखिए 10 वर्ष ज्यादा आ रहे हैं, तो मतलब पहले ही वाला ऑप्शन वेरीफाई हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ए फॉर एप्पल। बस इक्वेशन बनाने से अच्छा है कि ऑप्शन से आप 1 by 1 चेक कर लोगे तो भी आपका टाइम काफी बच जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है भाई, 4, 6, 4 लगातार। पिछले सवाल का सभी बच्चों का सही है, इस सवाल का देखते हैं कितने बच्चों का आंसर यहाँ पे सही आता है। 28 सबसे पहले आशीष दास का आ चुका है कि गुरुजी 28 आंसर होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, राजू महतो, कुंदन, निधि, बहुत बढ़िया, आशीष दास, सुमन, राजेश है ना, बिद्धो साह, लगातार सभी बच्चों के आंसर एकदम सही आ रहे हैं। सवाल नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पढ़े और सवाल का तुरंत आंसर दे दें कि इस सवाल का यहाँ पे क्या उत्तर होगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, चलिए भाई बहुत बढ़िया, मैंने इक्वेशन किया, चलिए कोई बात नहीं, इक्वेशन से भी कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन टाइम बचाने के लिए आप ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। देखिए सीरीज में सबसे पहले हमारी आदत यही है कि हम डिफरेंस निकाल देते हैं, डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 6 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, फिर ये 12 का कैसे हो गया, ये लॉजिक समझ में नहीं आया है ना। आगे आप देख सकते हो कि ये 56 से 72 हुआ तो ये कितने का डिफरेंस है, 16 का, तो 16 का डिफरेंस है, तो मतलब हमें ये दिख रहा था, और इधर पे आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, 4, 14 का, तो मतलब मुझे दिख रहा है कि 14, 16 लिखा, 6, 8 लिखा, मतलब 2-2 के डिफरेंस पे ये चलनी चाहिए, तो 8 के बाद मुझे लगता है यहाँ 10 होना चाहिए, फिर यहाँ होना चाहिए 12, तो 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, और 30 में 12 जोड़ेंगे तो 42 आ भी जाएगा, इसका मतलब 32 की जगह 30 होना चाहिए। 32 पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन्हें मार के भगाओ और यहाँ पे बिठा लो 30 को, तो गलती कहां पे हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी में, बी अपना 32 की जगह क्या होगा भैया, 30। तो बहुत बढ़िया, लगातार सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं, जी गुरुजी 32 आंसर इसका आएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से पढ़ें और देखें और आंसर दें भैया, इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है सवाल में, ये डिजाइन है जो है ना सिमिलर, इस तरह की डिजाइन है। अब आप ये देखो, ये नीचे जो डिजाइन बनी है ना, सिमिलर डिजाइन हमको यहां चाहिए, तो आप ये देखो ये डिजाइन तो सिमिलर नहीं है इसके जैसी, पहले हमें डार्क पार्ट चाहिए ना, लेफ्ट साइड डार्क होना चाहिए, राइट साइड ब्लैंक होना चाहिए, डार्क ब्लैंक ये नहीं है, डार्क ब्लैंक ये है, तो अब आप ये देखो ये तीर जैसे थे ना जस्ट अपोजिट हो गए, साइज नहीं बदला, ये देखिए इतना बड़ा ये चूड़ा है, ये उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा देखिए इतना सा थोड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आंसर आएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, 2 आंसर लगातार सभी बच्चों के आने लगे हैं, गुरुजी 2 आंसर आएगा, बहुत बढ़िया, चलिए भाई मस्त तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गुरुजी 26 में का यहाँ पे आंसर होगा, दूसरा किसमें लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 में, एक आंसर होगा जिसमें लिखा है 2, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी बच्चों के आंसर आ चुके हैं कि जी गुरुजी इसका आंसर होने वाला है यही, ठीक है। तो अपनी ये कुछ जानकारी थी, है ना भाई, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास में अपन ने जो सवाल सीखे हैं तो बहुत ही 25-26 सवाल थे, सब आपको समझ में आ गए होंगे उम्मीद करते हैं, है ना, और कुछ आपको बेसिक जानकारी दे दी जाए। कहां गया भाई ये, जैसे कि आपको पता है कि बेहतरीन तरीके से अगर आपको CBT 1, CBT 2 मतलब ALP की तैयारी करनी है, अभी नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा संपूर्ण बैच यहाँ पे मिल जाएगा, जिसमें से आपको CBT 1, CBT 2 दोनों ही क्लासे मिलने वाली है प्रॉपर वे से। अब आपका डिस्काउंट यहाँ पे कितना है, अभी भी आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं, बहुत बेहतरीन डिस्काउंट आपको 50% का ऑफ अभी भी मिल रहा है, तो अब आप देख सकते हो मात्र आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे 1200, उसमें आपको कंप्लीट चीजें मिल जाएंगी, और चीजों में क्या क्या मिलने वाला है, CBT 1 का पूरा कंप्लीट कोर्स, CBT 2 और CBT 2 के दोनों पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें आपकी ट्रेड और ये अपना मेंस वाला पेपर शामिल है, सबकी तैयारी मिलेगी विद मॉक टेस्ट के, समझ रहे हो। अगर आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आप चीजें यहाँ पे प्रॉपर आपको मिलने वाली है, ठीक है भैया। अगर ये प्राइस थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तो आप एक कोड यूज कर सकते हो, RS10, ये कोड जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको क्या होगा कि और ऑफ मिल जाएगा, आपके रुपए यहाँ पे और कम हो जाएंगे, है ना, तो इस कोड को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट आ चुके हैं कि जी गुरु जी क्लास में बहुत मजा आया, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, टाइम हो चुका है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आज आपको बहुत ही आनंद आया होगा, ठीक है भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में 5:45 पे, तब तक अपना ख्याल रखेंगे सभी लोग, और जय हिंद।